लेकिन हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो नहीं है। जय भीम बोलने पर भी यहाँ विरोध किया जा रहा है। मंजीत मेहरा जी जो हमारे बहुजन गायक हैं इतने, मेरे को बहुत दिक्कत है। मैं तो हिंदू पहले भी नहीं मानती थी और आज भी नहीं मानती अपने आप को। संस्कृति हमारी क्या है? कपड़े पहनना, खाना पीना, क्या हमने सब तो समान ही है? खून देख लो निकाल के सबका सेम ही होगा। तो जोड़ने वाले भी होते हैं, तोड़ने वाले भी होते हैं। और जब जोड़ने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी ना, जब अपनी सेना बढ़ जाएगी, तो वो तोड़ने वाले अपने आप रुक जाएंगे। हमारे पास भी है हथियार, हमारी शिक्षा, हमारी कलम, हमारा संविधान। धर्म के बिना देश चल सकता है, लेकिन संविधान के बिना नहीं चल सकता। तो इस बात को याद रखना होगा। उद्देश्य तो देखिए, हम तो आए थे समझ के कि पूरा समाज यहाँ एकत्रित होगा, बाबा साहेब की बात होगी, लेकिन हमने जब यहाँ आके देखा कि सच में क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, वास्तविकता यहाँ पर आकर देखी, तो देखा कि एक चमार एकता संघ रविदास जी की सिर्फ फोटो लगाई है, अन्य महापुरुषों की फोटो लगाई है मंच पर भी, लेकिन हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो नहीं है। और जय भीम बोलने पर भी यहाँ विरोध किया जा रहा है। मंजीत मेहरा जी जो हमारे बहुजन गायक हैं इतने, राष्ट्रीय स्तर के जो नेशनल आर्टिस्ट बोलते हैं, उन्होंने भी अगर गाना गाया, बाबा साहब का गीत गाया, तो उसका भी विरोध हो गया। तो ये कैसे है, क्यों है, कौन लोग हैं जो बांट रहे हैं? ये जो इनकी ये आयोजक हैं मीरा जी जो, तो इन्होंने ये आयोजन किया है, और VHP का कोई है एक व्यक्ति जो हमें नाम अभी नहीं आ रहा, जय भगवान जी जो VHP के, हाँ जय भगवान गोयल जी जो VHP के हैं, कुछ हिंदू परिषद वाले VHP के हैं, तो इन्होंने ये सब यहाँ पे वो मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हैं। तो आप देख लीजिए कि देश को किस ओर की, किस ओर दे जाने की इनकी वो है, विजन कहाँ है। हमारा है कि बहुजन देश बनाए, ये हिंदू देश बना रहे हैं। मुस्लिम आ जाएगा, कोई मुस्लिम देश बनाएगा, कोई क्रिश्चियन आ जाएगा, क्रिश्चियन देश बनाएगा, तो बहुजन कहाँ जाएगा इस देश का। सिख है वो अपनी मांग अलग करते हैं, कल को जैन आ जाएंगे, कल को बौद्धिस्ट देश बनाएंगे, बौद्धिस्ट भी देश नहीं बन पाएगा। देखो ये वास्तविकता है, हमारे भाई कितने खड़े हैं, एक धर्म से कभी देश नहीं चलता। संविधान देकर गए बाबा साहब, मेरे को बहुत दिक्कत है। मैं तो हिंदू पहले भी नहीं मानती थी और आज भी नहीं मानती अपने आप को, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि कैसे हमारे साथ भेदभाव होता है, अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है हमारा जाति के नाम पे, कैसे हमें नया भारत है ना, तुच्छ समझा जाता है। अमृत काल तो चल रहा है, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया क्या है ये? क्या केवल संस्कृत इंग्लिश को नहीं बोलते कि इंग्लिश जरूरी है हमारे लिए? तो इंग्लिश क्यों नहीं है जरूरी? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ इंग्लिश नहीं चलती? ये अंग्रेज़ों को बोल देते हैं कि अंग्रेज इंग्लिश ले आए, मुस्लिम अरबी ले आए, उर्दू ले आए, ये संस्कृत ले आए, पंजाब के लोग पंजाबी ले आए, मतलब आप लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं ना, तो इसलिए आप लोगों को याद दिलाया। भारतीय संस्कृति हमारी कौन सी है? सनातन धर्म कौन सा है हमारा? हम कहाँ असांस्कृतिक, या क्या हम क्या मानवता विरोधी हो गए हैं क्या हम? संस्कृति क्या होती है किसी देश की, क्या होती है संस्कृति किसी देश की? मानवता है सबसे बड़ा धर्म तो हमारा। संस्कृति हमारी क्या है? कपड़े पहनना, खाना पीना, क्या हमने सब तो समान ही है? खून देख लो निकाल के सबका सेम ही होगा। वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं जल्दी से लोग। वेस्टर्न कल्चर को अपना कहाँ रहे हैं कि अभी तक कहाँ है हमारे लोग? आप बोल रही हैं, क्या वन पीस पहन के घूम रही हैं लड़कियां? आपको घर रहना चाहिए था, आप बाहर निकल रही हैं। मेरा घर तो मेरा देश ही है, मेरा समाज ही है। मैं तो रोड पे निकल जाती हूँ संघर्ष के लिए, काम करने के लिए, मेरा कोई घर ही नहीं है। अब बताओ फिर क्या घर रहना चाहिए था? ऐसा नहीं होगा जैसा चल रहा है ये तो देखो, ये तो अपने एक काम कर रहे हैं कि चलो जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए प्रगति के लिए, भरने के लिए पेट। लेकिन जो हम विजन लेके चल रहे हैं ना, आज़ाद समाज पार्टी लेके चल रहे हैं, भीम आर्मी, उसको समझना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो लेके चल रहे हैं, मायावती जी भी हैं, BSP की हमारी हमसे बड़ी हैं, हमें सम्मान है उनके लिए, हम सम्मान करते हैं सभी का, और सबका सम्मान करना चाहिए। जो भी हो रहा है हम कहते हैं कि ठीक है, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, हमें अपना विजन पता है कि हमें देश के लिए क्या करना है। हम भटकने वाले लोग नहीं है। समाज में बदलाव आ रहा है या टूट रहा है समाज?
समाज को जोड़ने वाले भी लोग हैं, तोड़ने वाले भी, और ये अब से नहीं आज़ादी से चला आ रहा है। वो बात कर रही है ना अपने पिताजी की, बाबूजी जगजीवन राम की, आप भी इतिहास पढ़िए आपको पता लग जाएगा। तो जोड़ने वाले भी होते हैं, तोड़ने वाले भी होते हैं, और जब जोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना, जब अपनी सेना बढ़ जाएगी, तो वो तोड़ने वाले अपने आप रुक जाएंगे। तो किसकी संख्या ज़्यादा है अभी? अभी तो मुझे लगता है जोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है, हमारी भीम सेना हमारी ज़्यादा बढ़ रही है, अम्बेडकरवादी मनुवादियों पर हावी हो रहे हैं। अब तो अंबेडकर राज आएगा, बहुजन राज आएगा, मूल निवासियों का राज आएगा। एक सांसद जिता नहीं पाते, एक पार्षद जिता नहीं पाए दिल्ली में, आप लोग कैसे राज? अभी हमारे लोग जागरूक नहीं है ना, शिक्षित नहीं है ना, उन्हें अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं पता। वो अभी भी कहीं ना कहीं उनको धर्म में फंसा दिया जाता है, धर्म की रक्षा के लिए फंसा दिया जाता है, और उनको डरा दिया जाता है। कैसे आएगी जाति व्यवस्था के उसमें कि वो आप लोही और लोही रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना मैडम। कैसे चेतना आएगी ना, आप लोग तो काम कर ही रहे हैं ना जी। दोनों तरफ से बराबर के होने चाहिए ना। अगर वो आपको धर्म में बांध रहे हैं तो हाँ, हमारे पास भी अपना धर्म है, अपनी राजनीति है, हमारे पास भी है हथियार, हमारी शिक्षा, हमारी कलम, हमारा संविधान। धर्म के बिना देश चल सकता है, लेकिन संविधान के बिना नहीं चल सकता। तो इस बात को याद रखना होगा, संविधान को बचाएं ना कि धर्म को, क्योंकि संविधान धर्म की रक्षा करता है ना कि धर्म संविधान की। तो वो अज्ञानी है ना वो लोग, वो आज तक क्या किया है इस देश ने बताओ? अंग्रेजों के खिलाफ वो बोल देते हैं कि अंग्रेज ये करके चले गए, वेस्टर्न कल्चर अंग्रेज, इन्होंने क्या दिया है हमें? संस्कृत पढ़ने की वो नहीं थी हमें? बीजेपी पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भी तो कर रही है, धर्म संवाद देखिए कमलनाथ मध्य प्रदेश में पूरा अभियान चला रहे हैं। हमने कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं किया, मैं नई पीढ़ियों में से हूँ और मैं इस चीज़ को सबको समझती आ रही हूँ कि जब इतिहास चल रहा है ना, तो ये भी इतिहास बन रहा है। आगे जब अगर हम कुछ कर सकेंगे तो हम करेंगे।